अभी रिसेंटली मैं जब इंदौर गया था तो वहाँ पे मुझे एक सैंडविच खाने का मौका मिला, भाई मैं दीवाना हो गया उस सैंडविच का, क्योंकि वो अंदर से क्रीमी भी था, क्रंची भी था और बहुत सारे मसालों का उसमें टेस्ट भी आ रहा था। तो चलिए वही रेसिपी आपके लिए लेके आया हूँ। कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ बूपी आपका स्वागत करता हूँ अपनी ऑनेस्ट किचन में। सबसे पहले आलू का मसाला बनाते हैं। यहाँ पे लिया हमने एक बड़ा चम्मच तेल का। तेल हमारा गर्म हो गया तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर राई चटकाएंगे, एक छोटा चम्मच। राई का चटकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वरना कड़वापन आता है अगर ये चटकती नहीं है तो। इसको चटकने दीजिए, उसके बाद ही बाकी चीज़ ऐड करेंगे। राई का कलर भी चेंज हो गया है, चटक भी गई है, आवाज़ भी कम हो गई है। तो यहाँ पर कुछ करी पत्ता लिया है मैंने, ये ऐड करेंगे। दो हरी मिर्च है चॉप की हुई, वो ऐड कर देते हैं। जब भी आप हरी मिर्च को इस तरह से तेल में भूनते हैं तो स्पाइसी ज़्यादा होती है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको स्पाइसी करना है तो तेल में हल्का सा भून लीजिए तो स्पाइसी ज़्यादा होता है, ऊपर से डालते हैं तो कम स्पाइसी होता है। अब डालेंगे उबला हुआ आलू, हाथों से क्रश करके डाल दीजिए इस तरह से। यहाँ पे हम चार मीडियम साइज के उबले हुए आलू यूज़ किए हैं, इनको क्रश कर लेते हैं हल्का सा इस तरह से। और इसमें डालेंगे सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च और नमक। ये गई काली मिर्च, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं क्योंकि हरी मिर्च ऑलरेडी डाली हुई है इसमें। आलू के मसाले के हिसाब से नमक। गैस को फुल कर लीजिए और आलूओं को बढ़िया सा भून लीजिए। यहाँ पे आलूओं को भूनते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं। भूनने के बाद आलूओं में से बहुत बढ़िया खुशबू आती है, खाने का मज़ा जस्ट दुगना हो जाता है। तो चलिए अब ज़्यादा नहीं भूनेंगे इसको, फिर ड्राई हो जाएगा। अब गैस की फ्लेम को करते हैं बंद और इसको कर लेते हैं ठंडा। आलू का मसाला यहाँ पर बिल्कुल ठंडा हो चुका है तो अब डालेंगे इसके अंदर धनिया श्रद्धानुसार। एक मीडियम साइज का प्याज है चॉप किया हुआ, ये भी ऐड कर लेंगे। प्याज हम यहाँ पे डाल रहे हैं क्योंकि हमको पकाना नहीं था इसको, इसमें हल्का सा कच्चापन रहना चाहिए। और ये है आलू की चिप्स, ये मोटी वाली आलू की चिप्स है, बारीक वाली नहीं है, मोटी वाली डालनी है। आप इसकी जगह मठरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हल्का सा क्रश करके डाल दीजिए इस तरह से। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पर रेडी हो गई स्टफिंग। यहाँ पर लिए हमने 4 ब्रेड स्लाइस और इसमें लगा रहे हैं हल्का हल्का सा बटर। टोटल मिला के 2 सैंडविच हम यहाँ पर रेडी कर रहे हैं। ब्रेड का कोई भी आइटम हो जैसे कि बर्गर या पाव, हल्का सा बटर लगा दीजिए, भाई स्वाद दुगना हो जाता है। बटर लगाने के बाद में यहाँ पे लगाएंगे थोड़ा थोड़ा सा मेयोनीज़। लगाने से हल्की सी सॉफ्टनेस आ जाती है ब्रेड के अंदर। और ये है इस सैंडविच की जान, मतलब कि जीरावन मसाला। जीरावन मसाला वैसे मार्केट में मिल जाता है और आप चाहें तो मेरे इंदौरी पोहे वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने होममेड जीरावन मसाला कैसे बनाते हैं उसकी पूरी जानकारी दी हुई है। और अब जाएगा हमारा ये आलू का मसाला, भर भर के लगा दीजिए बढ़िया वाला। दूसरी ब्रेड स्लाइस से इसको कवर कर देंगे यहाँ पे और हल्का सा दबा देंगे जिससे आलू का मसाला अच्छी तरह से दूसरी स्लाइस पे भी चिपक जाए। और अब इसको करेंगे हम ग्रिल, लेकिन कहानी अभी अधूरी है, ग्रिल होने के बाद भी नहीं बनेगा ये पूरा। ग्रिल पैन हमारा यहाँ पर ऑन है मीडियम फ्लेम पर। अगर आपके पास में ग्रिल पैन नहीं है कोई बात नहीं, नॉर्मल जो तवा होता है उस पर भी बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपके पास में ग्रिलर है तो बहुत अच्छी बात है, ग्रिलर में भी कर सकते हैं इसको। सैंडविच एक तरफ से करारा सिक चुका है तो अब इसको टर्न कर लेते हैं, हल्का सा प्रेस भी कर दीजिए इसको। प्रेस करने से दब जाता है, ये चिपक जाती है आपस में। हल्का हल्का सा चाहें तो यहाँ पे बटर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे सैंडविच को दोनों तरफ से करारा सेकना है, इस बात का ध्यान रखना है हमको, बढ़िया सा कलर आना चाहिए, करारा होना चाहिए। सैंडविच में दोनों तरफ से बढ़िया कलर आ चुका है, लेकिन कहानी अभी अधूरी है क्योंकि अब बारी आएगी इसकी टॉपिंग की। तो अब होती है कहानी नई स्टार्ट। सबसे पहले हल्का सा यहाँ पे टमाटो केचप ऊपर की तरफ से लगा रहा हूँ, हल्का हल्का लगाइए। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो टमाटो केचप में हल्का सा चिली सॉस भी डाल सकते हैं। और ये गया जीरावन मसाला, इसमें हल्का हल्का सा, और इसकी करेंगे कटिंग यहाँ पे। तो 1 के 4 कर लीजिए बीचों बीच में से, इस तरह से खाने में ईजी रहेगा। टॉपिंग बाद में करेंगे, अभी पहले काट लेते हैं। और ये है हमारी मिक्स नमकीन, इसकी जगह आप भुजिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नमकीन आपको कोई सी पसंद हो वो डालिए इसके अंदर। ये रहे अनार के कुछ दाने और ये रही प्रोसेस चीज़ जो जाएगी इसके ऊपर। इसमें डालना है ऊपर से मेयोनीज, तो यहाँ पे मैं करूँगा इस्तेमाल इको बेक का। और इको बेक की बनाएंगे एक पाइपिंग बैग इस तरह से, छोटी सी, ये देखिए छोटी सी बन गई ना। और इस पेपर को आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास में एक्सक्यूजी बोतल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। कोन बनाने से थोड़ी आसानी हो जाती डालने में और दिखने में भी अच्छा लगता है। अब आ रहा है ना पूरा फील, जब मैंने इसको पहली बार खाया मैं इसका दीवाना हो गया भाई, बहुत ही गजब की चीज़ है। इसमें क्रंच आ रहा है, स्वाद है जीरावन का, बहुत ही गजब का आ रहा है। खा के देखें,
ग्रेट। इस रेसिपी को देख के आपको पता ही लग गया होगा इस सैंडविच का नाम क्या है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, इंतजार रहेगा। एंजॉय।